हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनुलेखा किचन रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट, सुपर हेल्दी, सुपर लाइट ब्रेकफास्ट। जो देखिए बिल्कुल बहुत ही रुई के समान सुपर सॉफ्ट बना हुआ है। और इसमें ये अच्छी बात है कि ना हमें इसमें दाल भिगोना है, ना तो हमें इसमें चावल भिगोना है। सिर्फ 15 मिनट में हम इसे बनाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और घर के सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही हमें यूज़ करना है। तो फिर देखिए चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें मैंने एक कटोरी भर के सूजी ले ली है। और उसी क्वांटिटी में मैंने ले लिया है दही, माने एक बाउल मैंने दही ली है। दही और सूजी की क्वांटिटी आप सेम रखिएगा। और एक आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया है। नमक बहुत ध्यान से मिलाइएगा, क्योंकि आप चटनी और सांभर के साथ जब इडली को खाएंगे तो नमक इडली में ज़्यादा ना पड़े। और इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। पहले दही और सूजी को आपको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें आधा बाउल, जो दही वाला बाउल है, उसी से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी मिला के मैं बस इसे हल्का सा ही हमें पानी मिलाना है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड में ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हो गया है मिक्स। अब मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें 15 मिनट में तक हम इस क्या करते हैं कि जो इडली वाली जो सांचे है ना, उसको हम मैं तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। ऑयल से मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ब्रश से। ये देखिए अब ये 15 मिनट के बाद देखिए सूजी ने पूरे दही को सोख कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो अभी मैं एक ग्लास पानी मिला रही हूँ। और इसे अच्छा से बैटर, मैंने पतला सा एक बैटर बना लेंगे। जितना हमें इडली में चाहिए हमें बैटर भी उतने ही बनाना है, वैसा ही बनाना है। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो बढ़िया सा आप इसे घोल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको बैटर तैयार करना है। ये देखिए बढ़िया सा आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग एक आधा चम्मच इनो। ये बड़ा चम्मच है इसलिए आधा है, बाकी आप छोटा चम्मच लेंगे तो एक चम्मच इनो लेना। इनो ना हो तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनो लिया है। इनो से बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसे कर दूँगी सांचे पे भर दूँगी और सांचा हम रेडी करेंगे। मैंने और पहले से ही मैंने इडली के बर्तन में पानी डाल के उसे प्री हीट कर लिया है। पूरी तरह हम पूरे सांचे को इसी तरह भर लेंगे। ये देखिए ये इडली का बर्तन हो गया है प्री हीट, पानी उबाल आ गया। अब मैं पूरे इडली के सांचे को उसमें डाल दूँगी। और इसमें हम इसे भर के ढक के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। आइए देखते हैं 20 मिनट के बाद। टूथपिक या चाकू की सहायता से आप इसे चेक करिएगा डिप करके कि ये पके हैं कि नहीं। ये देखिए पूरी तरह ये पक चुके हैं। अब मैं इसे निकाल दूंगी और ठंडा होने दूंगी। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद देखिए मैं अब इडली को निकालती हूँ। ये देखिए इडली कितनी सुपर सॉफ्ट और जालीदार बनी हुई है, बहुत ही। ये देखिए फ्लफ़ी है, रुई के समान सॉफ्ट है। इसी तरह मैं अब पूरी इडली को निकाल लूँगी सांचों से और इसे मैं एक प्लेट में सर्व करूँगी चटनी के साथ। आपने अगर सांभर चटनी जो भी बनाया उसके साथ सर्व करिएगा। दोस्तों अदर वीडियोस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दे दी है, उसकी लिंक, तो आप वहाँ जाके मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए रेडी है मेरी सुपर सॉफ्ट रुई के समान इडली। और इसे मैंने से बनाया है रवे से, मीन सूजी से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसे बनी है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी अदर वीडियोस भी आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।